पाकिस्तान भले एक मुस्लिम देश है लेकिन वहां पर भी तीन बड़े बड़े हिंदू मंदिर हैं, पर उनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। चलिए हम आपको बता, पाकिस्तान में बनाए गए हिंदू मंदिरों में पहला है हिंगलाज माता का मंदिर, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हिंगोल नदी और हिंगोल नेशनल पार्क के बीच में बना हुआ है। दरअसल जब देवी सती अग्नि में समा गई थी तो भगवान उनके जलते शरीर को लेकर पूरे विश्व में तांडव करने लगे थे और उसी समय माता सती का सिर इस स्थान पर जाकर गिरा था। दूसरे नंबर पर है गुरु गोरखनाथ का मंदिर, जो पाकिस्तान के पेशावर शहर में गोर खत्री क्षेत्र में बसा हुआ है। इस मंदिर का निर्माण साल 1851 में किया गया था। साल 1947 में हुए बंटवारे के बाद इस मंदिर को बंद कर दिया गया था, लेकिन साल 2011 में हाई कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू भक्तों के लिए इसे वापस से खोला गया था। तीसरे नंबर पर आता है हजार साल पुराना वरुण देव मंदिर, जो पाकिस्तान के कराची जिले में स्थित है। गाइस, क्या इसके पहले तक इन तीन मंदिरों के बारे में आप जानते थे? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। कई बार अमीरों के शौक ही उनकी जान के लिए मुसीबत बन जाते हैं। कैसे? टाइटैनिक जहाज, जो कि आज से 111 साल पहले डूब चुका है, उसे देखने के लिए दुनिया के पांच बड़े अरबपतियों ने, जिसमें से एक पाकिस्तान से था, उन्होंने पर पर्सन 2 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए और गहरे समंदर में सबमरीन से चले तो गए, पर अब वो सबमरीन समंदर में पिछले 4 दिनों से लापता है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। दरअसल 19 जून को कनाडा के न्यू फाउंडलैंड से सालों पुराने टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए 5 लोगों को लेकर एक सबमरीन समंदर में निकली। इन 5 लोगों में से एक पाकिस्तानी मूल के अरबपति शहजादा दाऊद और उनका 19 साल का बेटा सुलेमान भी शामिल था, लेकिन समंदर में उतरने से 1.5 घंटे बाद ही वो सबमरीन अटलांटिक महासागर में रडार से गायब हो गई, जिसका अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। दुख की बात यह है कि उस सबमरीन में 96 घंटे का ही ऑक्सीजन था, जो कि अब तक शायद खत्म हो चुका होगा। वैसे गाइस, टाइटैनिक जहाज खुद को तो लेकर डूबा ही, क्या अब ये दुनिया के 5 अरबपतियों को लेकर भी डूब चुका है? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। शादी के 2 दिन बाद एक दूल्हा उसी ब्यूटी पार्लर गया जहां से उसकी बीवी ने मेकअप करवाया था। वहां जाकर उसने पार्लर वाली मैडम को एक आईफोन गिफ्ट में दे दिया और थैंक यू बोल के वहां से निकल गया। मैडम ने खुशी के मारे आईफोन का जैसे ही बॉक्स खोला तो उसमें आईफोन की जगह एक ऐसी चीज निकली जिससे पार्लर वाली मैडम भौचक्का रह गई। उस आईफोन के डब्बे में थी उस बंदे की फीलिंग कि कैसे उस बंदे को पार्लर वाली ने सी बना दिया। दरअसल उस बॉक्स में आईफोन की जगह निकला नोकिया 1100 और साथ में निकली एक चिट्ठी जिसमें लिखा था सेम फीलिंग हियर। गाइस, अब समझदार को इशारा काफी है, लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि शादियों में भारी भरकम मेकअप करके अपनी असलियत छुपा के बाद में दुख पाने की बजाय हम जैसे हैं वैसे ही नेचुरल शादी कर ले, जिससे शादी भी लंबी चलेगी और सी बनने की फीलिंग भी नहीं आएगी? आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।